In this session, we will solve the exercise MCQs of chapter number 3 that is dynamics. So let's start. Our first MCQs is which quantity is measure of inertia of a body. Option A is mass, option B is force, option C is weight, option D is friction. So we know that inertia is related with mass. जितना किसी बॉडी का मैस ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेट करता है इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैस सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट टाइम सी अ फोर्स ऑफ फाइव न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी विंग टेन न्यूटन वॉट इज इट्स सेक्स सो स्टूडेंट्स Uh, सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास वेट दिया हुआ है ठीक है अगर न्यूटन में वेइंग वेइंग बेसिकली मैस को भी प्रेजेंट कर सकता है और वेट को भी प्रेजेंट कर सकता तो आपने यहाँ से यूनिट से देख सकते हैं अगर टेन के लिखा हो सो इट मीन्स मैस। अगर टेन न्यूटन लिखा हो तो इट मीन्स दैट इज़ वेट सो सबसे पहले मेरे पास वेट गिवन है तो वेट से मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ मैथ्स वी नो दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी यहाँ पे वैल्यूज प्लेस की तो मैस आ गया वन के जी अब मेरे पास मैस भी है और फोर्स भी है तो यहां से मैं इजीली एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर पाऊंगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए सो ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम एफ इज फाइव एंड एम इज वन सो आवर आंसर इज फाइव मीटर पर सेकेंड स्क् सी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट एमसीक्यूज़ सी इफ़ अ स्टील क्यूब हैज़ एक्सेलेशन टेन मीटर पर सेकेंड स्क्र एन अदर सेम स्टील क्यूब इज़ प्लगड इन टू इट वॉट इज इट्स एक्सेलेशन ऑफ दिस कम्बिनेशन स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पहले स्टील एक मैस है स्टील क्यूब है उसका एक्सेशन टेन मीटर पर सेकेंड कहता है कि एन अदर स्टील एक एग्जैक्टली exactly वैसा ही एक और स्टील का बॉक्स उसके साथ कनेक्ट कर दिया गया अब इट मीन्स के मैथ तो डबल हो गया मैथ अगर डबल हो गया तो एक्सेलेशन क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो हमारी फोर्स है वो तो सेम रहनी चाहिए सो so, मैथ जितने टाइम इंक्रीज़ करेगा एक्सेलेशन उतने टाइम डिक्रीज़ करेगा सिमिलरली जितने टाइम एक्सेलेशन इंक्रीज़ करेगा उतने टाइम मैथ जो है वो डिक्रीज करेगा राइट सो यहाँ पे जो मैथ uh, उसका डबल हो रहा है तो इट मीन्स के एक्सलेशन हाफ हो जाएगा आवर आंसर इज बी फाइव नेक्स्ट वन ऐस ए यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज ऑप्शन ए इज़ किलोग्राम पर मीटर सेकेंड ऑप्शन बी इज किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड ऑप्शन सी इज़ न्यूटन मीटर ऑप्शन डी इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड सो स्टूडेंट्स वी नो दैट द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज एक्सप्रेशन इज पी इज इक्वल टू एम वी And uh, unit of mass is kg, unit of velocity is meter per second. So option D is correct. kg meter per second. Next one. The molecule of a gas enclosed in a glass vessel at constant temperature is an example of option A is force system. Nahipi naha se ko external force pe apply ni option B inertial system. No option C isolated system, option D नॉन आइसोलेटेड सिस्टम सो आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐड नहीं हो रही होती उसमें सो ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज दिस वन इज एन आइसोलेटेड सिस्टम सिक्स एम सिक्यूज चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स वी नो दैट फोर्स एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम रेट मीन वी आर डिवाइडिंग दैट टर्म बाई टाइम सो चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम इज फोर्स लेकिन हमें हमने कब क्या पूछा गया हमें तो चेंज इन मोमेंटम पूछा गया तो हम चेंज इन मोमेंटम जब फाइंड आउट करेंगे तो टाइम को दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे सो एफ टाइम्स टी सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फोर्स टाइम्स टाइम नेक्स्ट वन द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली इज इक्वल टू स्टूडेंट्स मे नो दैट एफ इज इक्वल टू फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लेकिन अगर एक बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही हो मीन कोई बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है तो मुझे बताएं ये जो वेट होता है ये एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करता सो इट मीन्स कि वो जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है मैंने एक चीज़ अपने हाथ में पकड़ उठाई हुई है तो मेरे हाथ पे वो कितनी फोर्स वो बॉडी इंप्लीमेंट करेगी वो उतनी ही फोर्स उतनी ही वो फोर्स एग्जर्ट करेगी जितना उसका वेट है राइट सो बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है तो उस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि वो कितनी फोर्स एग्जर्ट करेगी वो उतनी ही फोर्स एग्जर्ट करेगी जितना उसका वेट है सो ऑप्शन डी इज करेक्ट एर्थ एज द रॉकेट मूव अपवर्ड

जैसे ही रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा वो फ्यूल को यूटिलाइज कर रहा है फ्यूल को यूटिलाइज करेगा सो इट मीन्स के मैस कम हो रहा है मैस कम होगा तो एक्सलेशन क्या होगा इंक्रीज करेगा सो ऑप्शन ए इज करेक्ट अ बुक ऑफ मैस फाइव के जी इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल वट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बुक अब स्टूडेंट्स ये एक बुक लाई कर रही है ऑन द टेबल Uh, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं वो बेसिकली यहाँ पे इसको हम जो जैसे फॉर एग्जांपल ये बुक पड़ी हुई है टेबल के ऊपर तो अब बुक एक फ़ोर्स लगा रही है इस टेबल के ऊपर ड्यू टू इट्स वेट लेकिन देखिए ये रेस्ट पे है ना सो इट मीन्स कि बुक जितनी फोर्स इस टेबल पर लगा रही है टेबल भी उतनी ही फोर्स इस बुक पर लगा रहा है जो टेबल इस बुक पर फोर्स लगा रहा है उसको बोलते हैं नॉर्मल फ़ोर्स या इसको हम रिएक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं और ये कितनी है देखो बुक और टेबल ये बुक भी रेस्ट पे है ना सो इट मीन्स जितनी फोर्स ये नीचे की तरफ लगा रही उतना ही इस पे रिएक्शन फोर्स है और ये कितनी फोर्स लगा रही जितना इसका वेट है सो इट मीन्स वी कैन राइट दैट रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू वेट एंड वी नो दैट रिएक्शन वेट इज इक्वल टू एम जी मैस इज फाइव जीज वैल्यू इज टेन सो आवर आंसर इज फिफ्टी ऑप्शन ए इज करेक्ट टेकिंग ऑफ रॉकेट कैन बी एक्सप्लेन बाय डैश ऑफ मोशन ऑप्शन ए इज फर्स्ट लॉ ऑप्शन बी सेकेंड लॉ ऑप्शन सी थर्ड लॉ ऑप्शन डी फोर्थ लॉ फोर्थ लॉ तो वैसे होता ही नहीं है इसमें तो स्टूडेंट्स वी नो दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन सो यहाँ पे जो रॉकेट है उसमें से जो गैसेस एस्केप कर रही हैं वो एटमोसफेयर की जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पर फोर्सेज इम्प्लीमेंट कर रही हैं तो वो जो एयर के एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं वो भी तो फोर्स लगाएंगे ना एज अ रिएक्शन वो किस पे लगाते हैं वो रॉकेट पे लगाएंगे और रॉकेट को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं नेक्स्ट वन नेट फोर्स ऑन अ बॉडी फॉलिंग इन एयर विद यूनिफॉर्म विलॉसिटी इज इक्वल टू ऑप्शन ए weight of the body option B resistance on the body option C difference of weight of body and air resistance on it option D zero so students think about it which option is correct option C is correct obviously uh, we know that अगर एक body नीचे की तरफ move कर रही है कोई भी body है आपने ऊपर से for example आप fourth floor पे खड़े हैं और वहाँ से आपने एक ball फेंकी तो ball पे दो forces लग रही है एक तो बॉल का वेट है वो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है क्योंकि ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट कर रही है ना अपनी तरफ तो वो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है लेकिन एक बॉल पे ऊपर की तरफ भी फोर्स लगती है जिसको हम ड्रैग फोर्स भी बोलेंगे या उसको हम एयर रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं वो उस बॉल पे लग रही होती है अपवर्ड डायरेक्शन में जो उसको रेजिस्ट कर रही होती है एयर रेजिस्टेंस राइट सो दो फोर्सेस लग रही उन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो हमारी नेट फोर्स होगी और ऑब्वियसली वेट ज्यादा है तभी तो बॉल नीचे की तरफ मूव कर रही है अगर वेट की एज कंपेयर टू वेट ड्रैग फोर्स ज्यादा हो जाए तो फिर तो बॉडी नीचे नहीं आएगी फिर तो ऊपर जाएगी सो इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट डिफरेंस ऑफ वेट ऑफ बॉडी एंड एयर रेजिस्टेंस ऑन इट अ स्मॉल स्पॉर्ट कार कोलाइड हेड ऑन विद अ मैसिव ट्रक विच व्हीकल्स एक्सपीरियंस द ग्रेटर इम्पैक्ट फोर्स ओके okay. वैसे स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको रॉन्ग करते हैं इसको आपने अच्छे से देखना है ऑप्शन एज द्र ट्रक कार ऑप्शन बी द ट्रक ऑप्शन सी द एक्सपीरियंस द सेम फोर्स ऑप्शन डी डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द व्हीकल्स स्टूडेंट्स वैसे नॉर्मली ये समझा जाता है कि जो छोटी कार है उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगी हालांकि ऐसा नहीं है न्यूटन्स थर्ड लॉसेज दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नेट्यूड सो इट मीन्स कि कार पे भी उतनी ही फोर्स लगेगी जितनी ट्रक पे लगेगी दोनों पे इक्वल फोर्स है जिस बॉडी पे एक बॉडी पे एक्शन होगा दूसरी बॉडी पे रिएक्शन होगा राइट right? अब डिफरेंस ये है कि जो ट्रक है ना उसका मैस ज़्यादा है तो इसलिए वो थोड़ी दूर जाएगा उसका एक्सलेशन कम होगा लेकिन जो कार है उसका मैस कम है तो उसका एक्सलेशन उतना ज्यादा होगा लेकिन जब नेट फोर्स की बात करेंगे ना तो नेट फोर्स सेम होगी नेट फोर्स में कोई चेंज नहीं आने वाला सो दे एक्सपीरियंस द सेम फोर्स अ फोर्स एक्स ऑन अ बॉडी फॉर टू सेकेंड एंड इट प्रोड्यूस फिफ्टी के जी मीटर पर सेकेंड चेंज इन इट्स मोमेंटम द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विद वेरी सिंपल फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम मोमेंटम इज फिफ्टी टाइम इज टू फोर्स इज ट्वेंटी फाइव सो सी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट वन अ बॉडी इज मूविंग विद अ स्ट्रेट लाइन एंड यू अप्लाई अ फोर्स पेंडिकुलर टू इट्स मोशन स्टूडेंट्स ये बिल्कुल ऐसी एग्जाम्पल है एक बॉडी मूव कर रही है आपको पता नहीं बॉडी पड़ी हुई है ये एक बॉडी पड़ी हुई है और इसमें मैं फ़ोर्स लगाऊं तो फिर तो मैं जिस डायरेक्शन में ये बॉडी इसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी सो इट मींस कि जब बॉडी पड़ी हुई है और जिस उसको मैं जिस डायरेक्शन में फ़ोर्स लगा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी लेकिन अगर एक बॉडी मूव कर रही है विथ सम स्पीड इट इज़ मूविंग और मैं इस पर फोर्स लगा दूँ तो अब ये क्या होगा ये नाइन्टी डिग्री के एंगल पर बेंड कर जाएगी और मुसलसल अगर फोर्स लगती जाएगी तो बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगी सो ऑप्शन

इसमें कोई और भी ऑप्शन आपको लग सकता है कि वो करेक्ट है लेकिन अपने जो सबसे अथेंटिक आंसर है वो इसमें से चूज़ करना सो स्टूडेंट्स आंसर सी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट इनर्शिया ऑफ डस्ट अब क्या होगा जैसे ही आपने स्टिक से बीट किया उस कारपेट को कारपेट जो है वो डिस्प्लेस होगा कारपेट आगे की तरफ जाएगा लेकिन जो उसमें डस्ट के पार्टिकल्स हैं दे वॉन्ट टू कॉन्टीन्यू देयर स्टेट ऑफ रेस्ट कि वो पहले जिस जगह पे थे वो उसी जगह पे रहना चाह रहे हैं सो so, उसकी वजह से वो बाहर निकल आएंगे उस कारपेट में से राइट right? सो so, जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी है डस्ट की इसकी वजह से डस्ट फ्लाई करेगी नेक्स्ट वन अ बकेट हैविंग सम वाटर इज रिवॉल्व इन वर्टिकल सर्कल वाटर डज नॉट स्पिल आउट इवन द बकेट इज अपसाइड डाउन ड्यू टू ऑप्शन ए इज वेट ऑफ वाटर ऑप्शन बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन वाटर ऑप्शन सी इनर्शिया ऑफ वाटर ऑप्शन डी एक्शन रिएक्शन बैलेंस अदर इसका आंसर तो आप मुझे दे सकते हैं अच्छे से यू नो दैट ऑप्शन बी इज़ करेक्ट सेंटिफिकल फोर्स होती है ना सेंटिफिकल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो पार्टिकल्स को जो उस बॉडी को आउटवर्ड डायरेक्शन में रखती है सेंटिफिटल फोर्स होती है ना टूवर्ड सेंटर मूव करवाती है बॉडी को और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है इसलिए जब आप मूव करेंगे इस बकेट को तो इसमें जितना भी वाटर होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा इवन कि आप उसको ऊपर की तरफ भी लेके जाएंगे तो फिर भी वो जो वाटर होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा राइट तो ये डिपेंड करता है उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है अगर आप स्लोली मूव करेंगे तो फिर वो वाटर स्पिल आउट हो जाएगा अगर आप उसको हाई स्पीड पे क्योंकि यू नो दैट सेंटिपिटल फोर्स फॉर्मलाइज एम वी स्क्र ओवर आर सो इट आल्सो डिपेंड्स ऑन फिलॉसफी फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही है ना सेंटीमीटर फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बट ओपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं ना सो ऑप्शन बी इज करेक्ट सेंट्रिफ्युगल फोर्स ऑन वाटर नेक्स्ट 17। अ ब्लॉक ऑफ मैथ टेन के जी इज हैंगिंग बाय अ स्ट्रिंग हाउ मच टेंशन इज प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग स्टूडेंट्स वी नो दैट कि फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है वो सस्पेंडिड है वो रुकी हुई है ना उसको अपने एक थ्रेड से बांध दिया ऊपर से डिजिटल बॉडी के साथ अब वो रुकी हुई है तो बच्चों जब रुकी हुई होगी बॉडी सो इट मीन्स कि जितना इट मीन्स कि उस पर नेट फोर्स ज़ीरो है इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जितनी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो लगा रही है वो बॉडी ड्यू टू इट्स वेट उतनी ही टेंशन है स्ट्रिंग में दैट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन वो स्ट्रिंग उसको रोके हुए है ना वहाँ पे तो उस स्ट्रिंग में टेंशन है और वो कितनी होगी टेंशन टेंशन विल बी इक्वल टू इट्स वेट सो सिंपली इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आपने करना जब भी आपसे टेंशन के बारे में पूछा जाए सस्पेंडिड बॉडी uh, के बारे में तो आपने सिंपली उसका वेट फाइंड आउट कर लेना है तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एंड वी नो दैट मैथ इज गिवन टेन जी वैल्यू इज ऑल्सो टेन सो आंसर इज वन हंड्रेड द फोर्स विच मूव्स द कार इज ऑप्शन ए फोर्स डिवेल्प बाय इंजन ऑप्शन बी इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर ऑप्शन सी वेट ऑफ वेट ऑफ कार ऑप्शन डी वाटर इज ऑन द रोड सो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे आप बोल सकते थे ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल भी इसमें नहीं लग रहे क्योंकि वेट कार का कैसे हेल्प कर सकता है और दूसरा डी वाटर अगर होगा तो वो तो फ्रिक्शन को कम करेगा ना उसका तो कोई हमें बेनिफिट नहीं होने वाला ऑप्शन बी देख सकते हैं या बोल सकते हैं ये दोनों मिलते जुलते हैं राय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर यस, इट हेल्प्स ये हेल्प तो ज़रूर करती है बॉडी को मूव करने में लेकिन ये मूव नहीं करती राइट इट हेल्प्स बट इट नेवर मूव्स ऑप्शन इज करेक्ट फोर्स डिवेल्प बाई इंजन जो इंजन फोर्स डेवलप करता है जब हम उसको केमिकल एनर्जी देते हैं एज अ फ्यूल वो उसको यूटिलाइज करता है और वहाँ से इंजन जो है वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो मैकेनिकल एनर्जी नेक्स्ट व्हील्स को मूव करती है व्हील्स फिर नेक्स्ट जो है वो वहाँ एक्शन रिएक्शन पेयर होता है और गाड़ी मूव करती है सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट